सब्सक्राइब करें कृष्णा मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 4 इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कि इसका क्या आता है। तो देखिए, गिवन है साइन इनवर्स 1/√2, तो देखिए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन पाई बाई 4। तो हमने इसका 1/√2 का वैल्यू रख दिया साइन पाई बाई 4। तब देखिए साइन और साइन, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा आपका पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट है होता है और इसको तुरंत सॉल्व करना होता है, ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग नहीं देना होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में तुरंत बनाइए, जितना हो सके आप मेंटली इसको सॉल्व करते हैं तो और भी बेहतर है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो गिवन है कॉस इनवर्स -1/√2, तो कॉस इनवर्स -थीटा 1/√2 को क्या कीजिए, थीटा मान लीजिए। तो कॉस इनवर्स -थीटा इक्वल होता है पाई -cos इनवर्स थीटा। ठीक है, फॉर्मूला पे होता है आपका कॉस इनवर्स -थीटा इक्वल टू पाई -cos इनवर्स थीटा, तो हो जाएगा पाई और -cos इनवर्स थीटा। तो 1/√2 को हम कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, तो पाई -π/4 बचा। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें, तो 4π -π = 3π/4 आपका आंसर हो गया। और फ्रेंड्स, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन मेरा वीडियो जो है उन सभी लोगों के पास पहुंच सके जो इस साल या नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर पसंद करते हैं तो जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ साइन बस एक्स इज इक्वल टू वाई देन वाई इज इक्वल टू क्या। तो गिवन साइन बस एक्स इज इक्वल टू वाई है, देन साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो साइन वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। जहाँ वाई आप जानते हैं तो वाई का वैल्यू कहाँ तक रेंज करता है, आपका रेंज होता है पाई बाई 2 और मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा और मिनिमम -π/2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी इज द योर आंसर। नाउ 4 देखिए, टेन बस रूट 3 -2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है कि कितना के बराबर होगा। तो देखते हैं, गिवन है टेन इनवर्स रूट 3 -2। तो रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या आता है, रूट 3। तो रूट 3 की जगह हम टेन पाई बाई 3 लिख दिए माइनस सेकेंड बस माइनस 2। तो सेकेंड बस माइनस 2 क्या है, 2 पे आप क्या कीजिए छठा मान लीजिए, तो सेकेंड बस माइनस छठा इज इक्वल टू पाई माइनस सेकेंड बस छठा फॉर्मूला होता है आपका। तो लिख दिए हम उस फॉर्मूला पर, देखिए ये तो टेन और टेन बस दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा पाई बाई 3 माइनस पाई, ये लिख दिए। और 2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, सेक पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 होता है तो हमने 2 की जगह सेक पाई बाई 3 लिख दिया। तो सेकेंड बस और सेक एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो आप बचा पाई माइनस पाई बाई 3। अब माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/3 और माइनस पाई। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2π -3π/3 इज इक्वल टू 2π -3π इज इक्वल टू -π/3, आंसर आपका हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इफ वाई इज इक्वल टू सेकंड बस एक्स देन क्या होगा। वाई गिवन है सेकंड बस एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक वाई, वेयर वाई जहाँ जो है उसका मैक्सिमम लेस देन होता है पाई बाई 2, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, और वाई इज मैक्सिमम इसका जाएगा पाई या पाई से छोटा होगा, या वाई जो होगा ग्रेटर देन पाई होगा। देख लीजिए ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन 6 देखिए, कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो देखिए गिवन है आपका इतना, हमने क्या किया 1/2 को कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्योंकि कॉस पाई बाई 3 जो है 1/2 के बराबर होता है, तो लिख दिया हमने और 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू होता है साइन पाई बाई 6, या यूँ कहिए साइन पाई बाई 6 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, यानी इसका वैल्यू साइन 1/2 होता है। तो इसका 1/2 की जगह इतना लिख दिया हमने, अरे ये कैंसिल हो गया तो बचा पाई बाई 3 और यहाँ पे π
पाई बाई सिक्स आएगा और ये टू, टू इंटू पाई बाई सिक्स, तो ये कट कटेगा तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका क्या, टेन बस वन प्लस क्वेश्चन बस माइनस वन बाई टू प्लस एन बस माइनस वन बाई टू, तो गिवन है इतना लिख दिया। अब देखिए वन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन पैंतालीस यानी टेन पाई बाई फोर इक्वल टू वैल्यू वन होता है, तो लिख दिया टेन बस टेन पाई बाई फोर, उसके बदले टेन पाई बाई फोर लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन बस माइनस वन बाई टू क्या कीजिए, एक्स मानिए, माइनस वन बाई टू को एक्स मानना है, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन बस एक्स प्लस एन बस एक्स, तो क्वेश्चन बस एक्स प्लस एन बस एक्स इक्वल टू क्या होता है, होता है आपका पाई बाई टू, तो इन दोनों की जगह पर हमने पाई बाई टू लिख दिया। अब देखिए ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई फोर, यहाँ बचेगा पाई बाई टू, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू इक्वल टू एड कीजिएगा इसको, हो जाएगा आपका थ्री पाई बाई फोर, आंसर हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं एट। क्वेश्चन नंबर एट है कॉस 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 इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू, ये जो है किसके बराबर है ये हमको बताना है। देखिए कॉस इनवर्स इंटू कॉस सेवन पाई बाई सिक्स, इसको हम कॉस सेवन पाई बाई सिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स। ठीक है, तब देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, आपको याद होगा फॉर्मूला, ये आप पाई बाई सिक्स को थीटा मान लीजिए तो कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कॉस पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिख दिया एंड माइनस कॉस पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉस इनवर्स माइनस, आप कॉस इन कॉस पाई बाई सिक्स को थीटा मान लीजिए तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स इसको कॉस पाई बाई सिक्स को आप थीटा मान लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, होता है फॉर्मूला। अब देखिए कॉस इनवर्स और कॉस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो बचेगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना कितना होगा। देखिए गिवन है इतना लिख दिया हमने, और देखिए यहाँ पे ये बोला साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस एक्स साइन बाहर होगा तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस हो गया और साइन बस वन बाई टू हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन बस ये वन बाई टू को हम साइन पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं क्योंकि साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू वन बाई टू होता है, तो साइन बस साइन पाई बाई सिक्स लिखा गया वन बाई टू की जगह, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, अब इन दोनों कैल्सियम लेके ऐड कीजिए तो एल्सियम लीजिएगा तो हो जाएगा आपका टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू पाई साइन थ्री पाई बाई सिक्स, ये कटेगा तो आपका हो जाएगा साइन पाई बाई टू इक्वल टू वन, कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, तो गिवन है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री ये लिखा गया और कॉट रूट थ्री को क्या कीजिए आप थीटा मान लीजिए तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, फॉर्मूला इसके जगह पर क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, एक माइनस है यहाँ पे थीटा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, तो देखिए अब रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस अब पाई माइनस ये रूट थ्री को हम कॉट पाई बाई सिक्स लिखेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा यानी कॉट पाई बाई सिक्स का वैल्यू रूट थ्री, तो इसके जगह पे हम कॉट पाई बाई सिक्स लिख दिए। ठीक है, तब देखिए ये कैंसिल होगा बचेगा पाई बाई थ्री, यहाँ माइनस साइन ये हो जाएगा पाई, ये भी कैंसिल होगा तो बचेगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये लिखा गया माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो पाई बाई थ्री माइनस पाई अब प्लस माइनस माइनस प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा टू पाई माइनस सिक्स पाई प्लस पाई पाई सिक्स, एलसीएम हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स टू बाई इलेवन इज इक्वल टू टेन अल्फा, देन अल्फा का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो 10 बस a प्लस 10 बस b इज इक्वल टू 10 बस a प्लस b पर स्क्वायर करते हैं। देखिए क्या है, 10 बस a प्लस 10 बस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b इज इक्वल टू 10 बस a। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर के एलसीएम लिए तो ये होगा 11 प्लस 4 बाई 22, और ये 22 माइनस 2 बाई 22। ठीक है, तो ये तो कटेगा आपका इज इक्वल टू 10 बस a। ठीक है, अब दोनों ओर से देखिए इसको इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या होता है, देखिए 10 बस आपका होगा ऊपर में 15 और ये 20, 10 बस 15 बटा 20 इज इक्वल टू 10 आपका या ए, 10 बस 15 बटा 20 इज इक्वल टू 10 a। दोनों ओर से 10 हटाएं, 10 बस हटा दिए तो अब आपका हो गया a इज इक्वल टू 15 बटा 20 विच इज इक्वल टू 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये है साइन 10 इनवर्स x ठीक है इज इक्वल टू आपका वैल्यू बता देना है कितने किसके बराबर है। सिंपल है, 10 इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए तो आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया देखिए, इसको क्या किया 10 बस x को थीटा माना, देन 10 इधर है, 10 बस इधर आ जाएगा तो आपको हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 10 थीटा का वैल्यू जो x है तो आप यहाँ से sin थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, यानी p यहाँ पे क्या है x, और h निकालना है यानी p इज इक्वल टू ये आपका हो गया p और ये b, यानी p का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, यानी h का वैल्यू क्या न्यू हो जाएगा √1 + x²। ठीक है, h यहाँ थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, sin इनवर्स में हो जाएगा साइन बस एक्स अपॉन √1 + x². अब थीटा किसके बराबर था, 10 बस x के, तो 10 बस x इक्वल टू थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन बस एक्स अपॉन √1 + x². ठीक है, इतना। नाउ क्वेश्चन पे आइए, साइन 10 बस x और 10 बस x किसके बराबर है, देखिए साइन बस एक्स अपॉन √1 + x² के, तो 10 बस x की जगह हम इतना वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए डालें तो आपका साइन और साइन बस दोनों कैंसिल हो गया तो बचा एक्स अपॉन √1 + x², जो कि आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन है आपका देखिए साइन इनवर्स 1 - x - 2 sin x इज इक्वल टू 5/2। तो देखिए हमने क्या किया है, साइन इनवर्स x को y माना है, देन यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा साइन y हो जाएगा, साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो साइन y हो जाएगा और x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आ जाइए, साइन बस 1 - x है -2 sin x इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए साइन बस x का वैल्यू क्या है, साइन y, तो हमने x का वैल्यू के जगह साइन y रख दिया, -2 sin x इज इक्वल टू क्या है y है, तो -2y हो गया ये 5/2। ठीक है, अब -2y को हम इस साइड लाएं तो प्लस में हो गया देखिए। ठीक है, और देखिए अब ये साइन बस जो इस साइड आएगा तो 5/2 हो जाएगा, साइन में चेंज हो गया तो साइन 5/2 + 2y इतना हो जाएगा, साइन बस इस साइड आएगा तो ये साइन में चेंज हो जाएगा ना, तो साइन 5/2 + 2y हो जाएगा, यानी 1 - sin y इज इक्वल टू साइन 5/2 + 2y। अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो इसको हम चेंज कर दिए तो देखिए 1 - sin y इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या 2y है तो 2y लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 1 - sin y इज इक्वल टू कॉस 2y इज इक्वल टू होता है 1 - 2 sin² कॉस 2 थीटा, तो समझिए ना यहाँ पे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है, उस फॉर्मूला पे 2, अब देखिए ये माइनस साइन में तीसरा डालेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 sin² y - y sin y, ये +1 और +1 दोनों एक साइड है, एलसीएम में भी है एलसीएम में, तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, देखिए 1 - 1 यू कहीं है, इसको चल रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 sin² y - sin y इक्वल टू 0। अब इसमें क्या किया है, साइन वाई कॉमन किया है क्योंकि दोनों में कॉमन है, साइन वाई एक कॉमन किया तो बचा आपका 2 sin y - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका यहाँ से हो गया साइन वाई का वैल्यू एक हो गया 0 और दूसरा का 2 sin y - 1 इक्वल टू 0, दो फैक्टर हो रहा बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन वाई इज इक्वल टू क्या है, देखिए तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो साइन वाई के लिए अपन एक्स लिख देते हैं, देखिए साइन वाई इज इक्वल टू 0 यानी साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0,
और 2 साइन वाई माइनस वन यानी 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो। लेकिन x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए x इज इक्वल टू जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, x का वैल्यू 1/2 रख के देख लीजिए, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जीरो रखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जो कि लास्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 10 बस एक्स बाई वाई माइनस 10 बस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए ये बताना है किसके बराबर है। देखिए 10 बस इसको ए मानिए इसको बी, तो 10 बस ए प्लस माइनस 10 बस बी, 10 बस ए माइनस 10 बस बी इज इक्वल टू होता है 10 बस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। फॉर्मूला को पुट कर दिया 10 बस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। ठीक है, एलसीएम लीजिए, ये इसके साथ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देखिए और नीचे ये जो आएगा ये तो कट जाएगा आपका, कॉमन है, ये भी है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन पे, यानी यू कहिए अब इसको एलसीएम ले लिए तो आपका इतना एलसीएम। ठीक है, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तब पे ये हो गया इतना, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तब पे इतना आया। अब देखिए ये एक्स वाई है माइनस एक्स वाई एक्स तो कटेगा, प्लस माइनस है इसी कारण यहाँ पर भी कटेगा, बचा आपका क्या 10 बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बचा, ये भी कट गया आपका, तो बचा 10 बस 1, तो 1 किसका वैल्यू होता है तो 10 पाई 45 का होता है, तो 10 पाई 1 की जगह 10 पाई बाई 4 रख दिया, तो 10 बस और 10 पाई बाई 4 ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों बचा पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।